हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो मैं यहाँ पर तीन पाइल्स बनाने वाली हूँ। आपको अपनी पाइल्स चूज करनी है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइव कार्ड्स लेने वाली हूँ। ठीक है, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल एक बन जाएगी हमारी। यहाँ पे मैं दूसरा लेने वाली हूँ, वन, टू और थ्री, फोर और फाइव। फाइव कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और फाइव कार्ड्स ही मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाइल बनाई है, थ्री पाइल्स बनाई हैं, आप देख सकते हो, वन, टू और थ्री। ठीक है, तो अभी आपको इनमें से सिलेक्ट करनी है अपने लिए। ये येलो बैंगल है। ठीक है, तो नंबर वन पर येलो बैंगल है, नंबर टू पर ये वाली बैंगल है, मल्टी शेड में है जो। ठीक है, और नंबर थ्री पर ये जो है, ये आप बैंगल दिख रहे हो ये। तो प्लीज़ आप अपना चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको कलर चूज़ करना है बैंगल्स का या जो भी डिज़ाइन है। तो उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप गौर से प्रेयर कीजिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ताकि आपको पता चले सही क्या है। ओके, आई थिंक आपने चूज़ कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये पाइल जिन्होंने चूज़ की है, ये वाला जो है, यहाँ पर ये लेने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं इन दो पाइल्स को साइड पर रख देती हूँ, नंबर वन पर। ओके, जिन्होंने ये वाला बैंगल को चूज़ किया था। ठीक है, तो मैं ये वाले पाइल्स के कार्ड्स ले रही हूँ, पाइल नंबर वन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, इसे थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं साइड पर, ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख सके। आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग है, वो अभी आपके लिए जो है पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स जो मोस्टली पॉजिटिव ही आए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ बातें वो आपसे छिपाते हैं, मैरिज से रिलेटेड घर में उन्होंने कन्वर्सेशन की है, बातचीत की है आपको शादी से लेकर, लेकिन ये बात वो छिपा रहे हैं आपसे, आपको भी बता नहीं रहे हैं। पर वो आपको एक मौका देंगे, हो सकता है मैरिज के लिए। ठीक है, आपको मौका देने वाले हैं, अपने फैमिली से भी बातचीत कर रहे हैं वो, लेकिन आपको बता नहीं रहे। हाँ, उनके मन में, उनके फैमिली के मन में आपके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो चाह रहे हैं कि आपका और उनका रिलेशन हो जो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं वो आपसे। ये भी है यहाँ पर, कुछ आने वाले टाइम में वो आपके लिए एक अच्छा कोई प्रपोज़ल ला सकते हैं, कोई पॉजिटिविटी ला सकते हैं आपके और उनके रिलेशन के लिए। तो अभी उनकी जो फीलिंग है वो करंट है, हो सकता है इसमें कोई आपके पास्ट के फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके रिलेशन में कोई हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका जो रिश्ता है या कोई भी आपका जो है वो मैरिज तक आगे बढ़े, शादी हो आपकी अगर हुई है तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहे हमेशा। तो इस तरह कोई पर्सन हेल्पफुल भी रह सकता है। ठीक है, बातचीत आपकी रहेगी, कन्वर्सेशन आपके जो पार्टनर है उनके साथ हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो अब स्टार्ट हो जाएगी होनी बातचीत, अगर आपको पहले कॉन्टैक्ट नहीं है जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, तो अब आने वाले टाइम में हो सकता है उनका कॉन्टैक्ट हो जाए उनसे फिर से, और बातचीत स्टार्ट हो जाए उनकी होनी। ठीक है, तो ये थे पाइल नंबर वन जिन्होंने ये बैंगल्स चूज़ की थी। ओके, तो उनकी करंट फीलिंग पार्टनर की थी। तो अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट ले रही हूँ, जिन्होंने सेकंड नंबर की पाइल, जिन्होंने ये वाला मल्टी शेड वाला जो बैंगल था ये चूज़ किया था। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है।
आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, उलझनों में उलझे हुए हैं और दिमाग से काम लेने वाले पर्सन हैं, प्रैक्टिकली और लॉजिक्स पर चलने वाले हैं, एनर्जेटिक पर्सन हैं वो, और चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन हो वो प्रैक्टिकली लॉजिकली बातों पर हो, वो इस तरह के पर्सन हैं। ऊपर से लगते हैं कि उनका दिल बहुत कठोर है, मजबूत है, लेकिन नहीं, दिल से वो लविंग केयरिंग पर्सन है आपके लिए। कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहता है, उलझने रहती हैं दिमाग में, डिसीजन नहीं ले पाते कि जल्दी से। ये हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो वैसे उनकी तरफ से आपको कोई मौका मिल सकता है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पे नई कोई शुरुआत हो सकती है आपकी। गौर से प्रेयर करोगे तो हाँ, यहाँ पे आपको गौर से प्रेयर ज़रूर करनी होगी अपने रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, कि वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आए, क्योंकि यही गाइडेंस मिल रही है कार्ड्स में, हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर आप गौर से प्रेयर करोगे तो जल्दी आपका पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, मैसेज करेगा, बातचीत करेगा, बातचीत करने स्टार्ट कर देगा वो आपसे। ठीक है, अगर आप गौर से प्रेयर करोगे तो आपका उलझनी जो दिमाग में है या कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जिससे कि पॉजिटिविटी आएगी आपके रिलेशन में और आपका जो पार्टनर है आपके लिए कोई मौका देगा मिलने का, या मिलेगा या कॉन्टैक्ट करेगा, बातचीत होगी आपकी, आगे पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो कुछ बातें हैं वो, अगर आप गौर से प्रेयर करोगे तो उलझने सब दिमाग में जो भी होंगे, उनके परेशानी है या कुछ भी है, तो दूर हो जाएगा। तो आपके पार्टनर की फीलिंग यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी बिल्कुल, जो भी उनका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और पॉजिटिविटी आएगी। तो करंट फीलिंग पॉजिटिव हो जाएगी आपके पार्टनर की गॉड की प्रेयर करने से। तो मैं यही कह सकती हूँ कि इसमें जो आपका पार्टनर की फीलिंग, करंट फीलिंग है, वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप गॉड से प्रेयर कीजिए जिन्होंने सेकेंड पायल चूज़ की थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड पायल जिन्होंने चूज़ की है, तो उनका पार्टनर के करंट फीलिंग क्या है। कि जिन्होंने ये वाला येलो कलर का चूज़ किया था, ये उनके पार्टनर की करंट फीलिंग है। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी इंडिकेशन मिल रहा है मुझे, वेट कर रहे हो, जो आपके पार्टनर है किसी अपना या थर्ड पार्टी, उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो वो उनकी तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इमोशंस का या गॉड से प्रेयर। यहाँ पे आपको भी गॉड से प्रेयर करने की ज़रूरत है, जिन्होंने थर्ड पायल चूज़ की थी, येलो बेंगल चूज़ किया था, ये उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पॉजिटिव हो सकती है आपके लिए, यहाँ पे गॉड से प्रेयर करने की ज़रूरत है। इमोशंस दिखाने होंगे आपको, उनसे बातचीत करनी होगी इमोशनली, आप वेट भी कर रहे हो काफ़ी टाइम से, उनका देख रहे हो कि कोई उनका मैसेज आए, कोई कॉल आए उनकी तरफ से, और कुछ इंतज़ार कर रहे हो आप यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी का मैंने बताया आपको, थर्ड पार्टी कोई उनका अनदर अफेयर भी हो सकता है, या फिर उनका जो है फैमिली से रिलेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, कि जो आपके रिलेशन में नेगेटिव हो, ये हो सकता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर गौर से प्रेयर करोगे तो कहीं ना कहीं कोई इमोशनली आपके लिए इमोशन उनके मन में जागेंगे, उठेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, वो अटैच होंगे आपके साथ, बातचीत करेंगे आपसे, और कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं आपको, ऐसा नहीं है। और हेल्थ वाइज थोड़ा पार्टनर के आपके प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा हेल्थ का इशू रह सकता है, और आपकी नई शुरुआत होगी, ऐसा नहीं है रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी की भी थी तो वो दूर हो जाएगी, अगर आप गौर से प्रेयर करोगे तो वो सिचुएशन नहीं बनेगी, वो भी जो है आपकी तरफ आ जाएंगे, जो आपके पार्टनर हैं लविंग केयरिंग हो जाएंगे आपके लिए, ज़्यादा अटैच होंगे आपसे थर्ड पार्टी की बजाय, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे वो। बस यहाँ पे गौर से प्रेयर करने की ज़रूरत है आपको। आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई अच्छे बिजनेसमैन पर्सन हो सकते हैं, या लेडी हैं तो वो कोई अच्छी ऐसे उस पर हो सकती है कि जो कोई अच्छा बिजनेस करती हो, कोई उनका लविंग केयरिंग पर्सन भी होंगी, अच्छी कुक भी होंगी अगर लेडी या कोई फीमेल हैं तो। अगर मेल हैं तो वो कोई बिजनेस पर्सन होने के चांसेस है इस फाइल में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो आपको यहाँ पे मैं यही कह सकती हूँ कि गौर से प्रेयर करने की ज़रूरत है। अगर
अगर आप चाहोगे तो मैं रेमेडीज भी बताऊंगी आने वाले टाइम में, आपको इनकी सोल्यूशन भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे बताइएगा मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाइव भी आती हूँ तो आप लाइव भी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो आप लाइव में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। और प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी जो है रेमडीज भी लेकर आने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में अपने, ताकि आपका जो है पार्टनर की पॉजिटिव फीलिंग आए आपके लिए। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।